अब मैं चाहता हूं कि जब मैं फॉर्म में टाइप करूं, जैसे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट आईडी टाइप कर दिया और जैसे एंटर प्रेस किया तो कर्सर मेरा यहां आ रहा है, मेरा कर्सर यहां नीचे या साइड में यहां टैब पे नहीं आना चाहिए। मैं कुछ भी एंटर टैब कुछ भी प्रेस करूं तो मेरा कर्सर यहां से उठ के यहां जंप करना चाहिए। तो यहां से उठ के यहां जंप, यहां जंप, यहां जंप, मतलब कि मेरा कर्सर वहीं पे मूव होना चाहिए जहां यह हमारा डेटा है, जैसे कि नॉर्मली एचटीएमएल फॉर्म में होता है। तो कुछ नहीं करना है, आपका कंट्रोल को प्रेस करना है और आप सारे को सारे जितने भी आपके डेटा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए फॉर्मेट सेल में और यहां प्रोटेक्शन में आप क्या कीजिए, इसकी लॉक को हटा लीजिए। लॉक इसलिए हटाया ताकि मैं इस पर टाइप कर सकूं। उसके बाद वापस हमने राइट क्लिक किया और हमने प्रोटेक्ट शीट पे गए और प्रोटेक्ट शीट पे मैंने यहां से सिलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर दिया। अब यहां पे 1254 डाला, एंटर प्रेस किया, कर्सर सीधे नीचे आया। पूजा टाइप किया, कर्सर नीचे आया। यहां पे मैंने एक्सेल सेलेक्ट कर दिया, एंटर आया। यहां पे टू सेलेक्ट किया, एंटर आया। और यहां पे हमने तो मेरा कर्सर इन्हीं के बीच में घूमता रहेगा और जहां जहां हमें टाइप करना है मेरा कर्सर सिर्फ उसी एरिया पे जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा।